कठिन है यहाँ से नीचे जाने के लिए। फिलहाल मैं वापसी की खोज में हूँ, यहाँ पहुँच चुका हूँ। सॉरी, देख लो कैसे उतर रहा हूँ मैं। वेलकम यू ऑल फ्रॉम डे 4 फ्रॉम मनाली। सो आज है मेरा आखिरी दिन मनाली में और बचे हैं मेरे कुछ और यहाँ के आइकॉनिक प्लेसेस को एक्सप्लोर करना। सो लेट्स सी, वी आर गोइंग फॉर दैट ओनली। फर्स्ट वील रीच टू द मॉल रोड एंड वील हैव आर ऑटो राइड फ्रॉम देयर। आई होप ये चीप हो हमारे लिए, बिकॉज मनाली इज़ एक्सपेंसिव फॉर ट्रैवलर्स, बिकॉज यहाँ पे जो ट्रैवलिंग है फॉर ट्रांसपोर्टेशन दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो ऐसे कुछ है रास्ते जो जाएंगे अभी टूवर्ड बस स्टॉप, और मैं फ़िलहाल ट्रैवल कर रहा हूँ अपने हॉस्टल से, और देख सकते हो कितना हरा भरा रास्ता है यार। और मनाली का वेदर बहुत ही अच्छा और प्लीजेंट है इस समय। टेम्परेचर कुछ 4-5 होता है मॉर्निंग में, बट देखते हैं। सो मैंने ले लिए यहाँ से ऑटो राइड जो मुझे चार्ज करी 100 rupees जो भी वाटरफॉल तक। हमें पहला जाना है वर्सेस टेंपल तक, फिर वर्सेस टेंपल से हमें हाफ एन आवर वॉक करना होगा तो हम पहुंचेंगे जो भी वाटरफॉल। तो ये ऐसा कुछ है यहाँ का रास्ता। ये ऑटो है जो मुझे ले जा रही है अभी टॉप तक। 4 kilometers है मनाली सिटी से ये ऊपर तक का रास्ता ऐसा। तो अब चलते हैं, तब तक आप इंजॉय करिए टाइम लैप्स। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं वसिस टेंपल, जिसके लिए मैंने ली थी 100 rupees की ऑटो राइड मनाली सिटी से। सो ये है वसिस, राम जी का टेंपल है यहां पर पहाड़ों के बीच में, और यहां से ही होते हुए रास्ता जाएगा जोगनी वाटरफॉल के लिए। सो फिलहाल मैं यहां पर पहुंच चुका हूं और अब हम आगे चलेंगे यहाँ से, और देखते हैं कि ये टेम्पल तो काफ़ी खूबसूरत है और हिंदू मान्यताओं को बहुत ही अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली विज़िट करिए। और जब कभी भी आ रहे हैं तो जोगनी वाटरफॉल भी ज़रूर जाएं। सो ऐसा कुछ है ये रास्ता जो जा रहा है जोगनी वाटरफॉल के पास। ये हिमाचली लोगों के लोकल घर हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो ये ऐसा कुछ है। सो वी आर मूविंग फॉर द जोगनी वाटरफॉल राइट नाउ, एंड यहाँ से हमें करीबन हाफ एन आवर की वॉक करनी पड़ेगी जो हमें पहुँचा देगी हमारी डेस्टिनेशन जोगनी के लिए। ये ऐसे ही पर लोगों के घर हैं, देख सकते हो कितने अच्छे और खूबसूरत घर इन्होंने बनाए हैं यहाँ पर। सो ऐसा कुछ है व्यू यहाँ का, अब देख सकते हो मनाली सिटी से थोड़ा बाहर का व्यू है ये। ये है वो रास्ता जो जाएगा जोगनी वाटरफॉल। 1300 meters यानी 1.3 kilometers भी बाकी है, और मैं थोड़ा सा चढ़ने के बाद थकने लगा हूँ। सभी यहाँ पर एप्पल के आप पेड़ देख सकते हो, ये वाली जो पेड़ है ये एप्पल ट्री है, इसमें काफ़ी सारे एप्पल्स लगे हुए हैं। ऐसा कुछ है जोगनी वाटरफॉल जाने का रास्ता। सभी धीरे धीरे चलते हैं, फिर वहीं पर आपसे मिलते हैं। फिलहाल अभी मैं एक छोटी सी दुकान के पास आके रुका हूँ हॉट वाटर पीने के लिए, बिकॉज चलते चलते मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ और अभी तक मैं डेस्टिनेशन पे पहुँचा नहीं। करीबन मुझे 25 मिनट हो गए वॉक करते हुए। सो ऐसा कुछ है ये पाथवे यहाँ का, और ये छोटी सी दुकान है, और आगे जाऊँगा। अभी थोड़ा सा 2-3 मिनट का रेस्ट ले रहा हूँ। ओ भाई साहब, ये देखो झाड़ियाँ। अमेजिंग व्यू है यहाँ पर, सही है। सॉरी फॉर खांसी, थोड़ी थोड़ी खांसी आ जाती है। सही रास्ता है। एंजॉयिंग माई ट्रैक टू जोगनी वाटरफॉल। दिस इज सुपर अमेजिंग पाथवे टू रीच दिस प्लेस। देख सकते हैं कैसा स्टीफ रास्ता है,
एंड दिस इज द पाथवे जो जा रहा है जोगनी वाटरफॉल के लिए ऊपर। चलते हैं। फिलहाल मैं वाटरफॉल के नीचे वाले हिस्से में पहुंच चुका हूं। ये ऊपर से वाटरफॉल आता है उस पहाड़ी के अंदर से, बट मुझे रास्ता पता नहीं चल पा रहा। मैं ट्राई करता हूं किसी से पूछने का कि इस वाटरफॉल तक पहुंचने का रास्ता कहां से है। एक ब्यूटीफुल स्पॉट मेरे को यहां पर मिला है। पानी कितना बिल्कुल क्लियर है, आप देख सकते हो। यू कैन सी द वाटर ओवर हियर, कितना क्लीन पानी है यहाँ से बह रहा। ऐसा है कुछ ये इलाका। आप देख सकते हो रास्ते कितने ही कठिन हैं यहाँ से नीचे जाने के लिए। फिलहाल मैं रास्ते की खोज में हूँ, यहाँ पहुँच चुका हूँ। सॉरी, देख लो कैसे उतर रहा हूँ मैं। दिस इज समथिंग अ पाथवे विच गो डाउन साइड। बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसे ट्रिप करके। ऐसा कुछ है यहाँ का। बड़ी कश्मकश करनी पड़ रही है यहाँ पर आने के लिए। हमने इतना खतरनाक रास्ता मैंने अपनी लाइफ में कभी कवर नहीं किया। चले जाएंगे, दो लोग हैं, चलो। हाँ हाँ भाई, बैग पकड़ लो बस। सॉरी आपको। आप दिल्ली से आए हो? नहीं, आई एम रियली सॉरी। मैंने ट्राई किया व्यू पॉइंट तक जाने का, बट मैं आधे रास्ते में रास्ता भटक गया और रास्ता भटकने के बाद मैं वापस सेम रास्ते पर नीचे आ गया जहाँ से मैं चढ़ा था। और मेरी एनर्जी भी पूरी फॉल डाउन हो चुकी है और ये काफ़ी ऊंचाइयों भरा ट्रैक है। आप देख सकते हो कितना ऊपर जाना पड़ता है अगर आपको जोगनी का मेन व्यू पॉइंट देखना है। मैंने बशर्ते बहुत ट्राई की, हाथों में कटीले झाड़ थे वो भी धंस गए, बट मैं पहुंच नहीं पाया वहां तक। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग। मैं डेफिनेटली इसको फिर से विज़िट करूंगा, तो बकेट लिस्ट में होगी ऊपर कि मैं ट्राई करूं प्रॉपरली पहुंचने की, बट ये हो नहीं पाया मुझसे। ये ऐसे कुछ रास्ते हैं जिन पर से मैं चल कर वापस जा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ था मेरा जोगनी और वशिष्ठ टेम्पल का ये विज़िट। आपसे अभी मैं डायरेक्टली मिलता हूँ मेरे हॉस्टल पहुँचकर। और ये थी एक मनाली की अच्छी सी सीरीज़। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो ये वीडियो एंड नहीं हो रही है, बट एक मैसेज है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे, आप अगर उस लाल बटन को दबाते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें काम करने का जज्बा मिलता है और हम आगे भी ऐसे तरीके की वीडियोस और अच्छी वीडियोस, क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्लीज़ गिव, और प्लीज़ कोई भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहा तो प्लीज़ आप सभी को रिक्वेस्ट है, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहां पर है, उसका है GHUM KKADAKI घुमक्कड़ अक्की। सो प्लीज़ फॉलो करें, और वहाँ पर मैं हमेशा रहता हूँ ऑनलाइन। सो आप लोग मुझसे बातें कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें बता सकते हैं। सो मिलते हैं अब डायरेक्टली